check me. Run that video like a track me. Give me the pack and I might pack that. She got a fatty, I might pack that. Give me your addy, we pullin' it to your pattern. Let me go put it to rest, but don't click clap. हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टिप्स फॉर ऑल में। तो कैसे हैं आप सब दोस्तों, उम्मीद करता हूं बेहतर होंगे। दोस्तों हाज़र हूं एक नई वीडियो के साथ, एक नए ट्यूटोरियल के साथ। दोस्तों आज की इस वीडियो में अक्सर आपने देखा होगा कि आपका फ़ोन कोई भी एप्लीकेशन, कोई गेम खेलते हुए, कोई एप्लीकेशन यूज़ करते हुए या वीडियो कॉल करते हुए आपका फ़ोन हीटअप हो जाता है, गर्म हो जाता है, और इस हीटअप की वजह से आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्द ख़त्म हो जाती है। दोस्तों ये एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है जो कि अक्सर फ़ोन में देखने को मिलता है। जैसे ही आप मतलब कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं, कोई मतलब कॉल कर रहे हैं या कोई भी एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन हीटअप हो जाता है, या आपके कुछ एप्लीकेशंस जो कि आपके फ़ोन में बैकग्राउंड में वर्क कर रही हैं तो वो आपके फ़ोन की बैटरी को और भी ज़्यादा डिक्रीज़ कर रही हैं। आपके फ़ोन की बैटरी बहुत ज़्यादा जल्द ख़त्म हो जाती है और आपका फ़ोन गर्म रहता है। तो दोस्तों चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरह आप इस प्रॉब्लम से मतलब छुटकारा हासिल कर सकते हैं। दोस्तों एक छोटी सी एप्लीकेशन है, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कीजिए। उस एप्लीकेशन की मदद से आप इसको और भी ज़्यादा ठंडा कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ साथ सात ऐसी सेटिंग्स हैं जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, जिसकी मदद से आप अपने फ़ोन को और भी ज़्यादा फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये है उस एप्लीकेशन का आइकॉन, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन से, वहाँ से आप सिंपली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। कूलर मास्टर इसका नाम है दोस्तों। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके फ़ोन का जो डिटेल है वो आपको डिस्प्ले पे शो करेगा। यहाँ पे आप सीपीयू की डिटेल आपको शो कर रहा है, आपकी रैम की डिटेल शो कर रहा है, यहाँ पे आपके फ़ोन का जो टेम्परेचर है वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। तो ये मतलब आपको बता रहा है कि आपके फ़ोन का कितना टेम्परेचर है इस वक्त। तो दोस्तों यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन सा प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपके फ़ोन की मतलब बैटरी जो है वो ज़्यादा ख़त्म हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाती है। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर आपने सिंपली डिटेक्ट ओवरहीटिंग ऐप्स जो कि आपके बैकग्राउंड में काम कर रहे हैं, आपने यहाँ पे डिटेक्ट, वो आपकी एप्लीकेशंस को यहाँ पे डिटेक्ट करेगा। तो सिंपली आपने यहाँ पे क्लिक करना है, परमिशंस अलाउ कर लेनी है। ओके, जैसे ही आप यहाँ पे आप इसकी परमिशंस अलाउ कीजिएगा जी दोस्तों, अब यहाँ पे इसने स्कैनिंग शुरू कर दिया, स्कैनिंग द सीपीयू। आपकी जो बैकग्राउंड की जो एप्लीकेशंस रन कर रही हैं वो यहाँ पे सब को स्कैन कर रहे हैं। जो आपके फ़ोन में बहुत ज़्यादा डेटा होता है, थोड़ा टाइम लेगा। यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं इसने सारी जो एप्लीकेशन बैकग्राउंड में रन कर रही थी वो इसने ओपन कर ली है, सर्च कर ली है, डिटेक्ट कर ली है। यहाँ पे आपने, मैं सिंपली इसको ऑफ़ कर देता हूँ क्योंकि इसको इसलिए ऑफ़ किया, ये एक मैं स्क्रीन रिकॉर्डर चला रहा हूँ, अगर इसको भी बंद कर दूँगा तो ये दोस्तों ये मेरा स्क्रीन रिकॉर्डर भी बंद हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों इसने जो भी एप्लीकेशन मेरे फ़ोन के बैकग्राउंड में रन कर रही हैं इसने सारी डिटेक्ट कर ली हैं। जैसे ही आप यहाँ पे सिंपली एक छोटा सा क्लिक है क्लीन अप पे, जैसे ही आप क्लीन अप पे क्लिक करेंगे तो ये सारी जो बैकग्राउंड पे एप्लीकेशंस रन कर रही हैं ये अब बंद हो जाएंगी। तो सिंपली यहाँ पे क्लीन अप पे करते हैं क्लिक। जी हाँ दोस्तों, ये देखें यहाँ पर सारी आपकी जो बैकग्राउंड पे चल रही थी ऐप्स, वो 12 ऐप्स चल रही थी जो कि बंद हो चुकी हैं। तो दोस्तों इस तरह ये मतलब आपके सीपीयू का रेट भी बढ़ जाएगा, आपकी रैम भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, और ये आस्ता आस्ता आपके फ़ोन की हीटिंग को भी कंट्रोल कर लेगा। तो दोस्तों छोटी सी एप्लीकेशन है और आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करके फीडबैक में हमें बताइए। तो चलिए दोस्तों आपको बताता हूँ कौन सी ऐसी सेटिंग्स हैं जिनकी मदद से आप अपने फ़ोन को और भी ज़्यादा मतलब यूज़फुल बना सकते हैं। तो सिंपली आपने सबसे पहले जाना है दोस्तों सेटिंग में। जैसे ही सेटिंग में जाएंगे यहाँ पे नीचे आके आपने जाना है अबाउट फ़ोन में। अबाउट फ़ोन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है। सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने दोस्तों बिल्ट नंबर पे 7 बार यहाँ पे क्लिक करना है, 7 दफ़ा यहाँ पे क्लिक करना है, 1 2 3 4 5 6 7। दोस्तों जैसे ही आप यहाँ पे इसको 7 बार क्लिक करेंगे तो आपका डेवलपर जो है वो यहाँ पे ऑन हो जाएगा। जो जैसे ही आप यहाँ पे ऊपर नीचे जाएंगे तो डेवलपर ऑप्शन जो है वो आपका ऑन हो चुका है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे, डेवलपर को यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने नीचे आना है। जैसे ही आप नीचे आएंगे तो यहाँ तो दोस्तों डेवलपर मोड में आने के बाद आपने सबसे पहले यहाँ पे डेमो मोड जो है इसको मतलब यहाँ पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पे दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे मेरे फ़ोन की बैटरी 68% है
یہ کس طرح آپ اس کو 100% کر سکتے ہیں، آپ اپنی اگر بیٹری لو ہے تو آپ یہاں پہ اس کو کس طرح 100% کر سکتے ہیں۔ یہاں پہ آپ نے دوستوں ان دو مطلب سیٹنگز کو انیبل کر لینا ہے، انیبل ڈیمو موڈ اور نیچے شو ڈیمو موڈ۔ جیسے ہی آپ اس کو انیبل کریں گے دیکھ سکتے ہیں ہم دوستوں یہاں پہ میری بیٹری 100% ہو چکی ہے، فون کی بیٹری 100% ہو چکی ہے۔ تو یہ بہت ہی ایک بہت کمال کی سیٹنگ ہے جو کہ ہر فون میں ہوتی ہے۔ ڈیولپر موڈ میں جا کے یہاں پہ آپ ڈیمو موڈ پہ اس کو کر کے 100% آپ کی بیٹری اپنی بیٹری کر سکتے ہیں فون کی۔ تو دوستو اس کے بعد آپ نے نیچے جانا ہے، جیسے ہی آپ نیچے اسکرول ڈاؤن کریں گے تو یہاں پہ آپ کو نیچے یہاں پہ ایک اور آپشن ملے گا جس کی مدد سے آپ نے دوستو یہاں پہ بیک گراؤنڈ چیک، جیسے ہی بیک گراؤنڈ چیک مطلب یہاں لمٹس بیک گراؤنڈ پروسیس پہ آپ جیسے ہی یہاں پہ کلک کریں گے تو آپ کی یہاں پہ اسٹینڈرڈ لمٹ جو کہ بیک گراؤنڈ میں اپلیکیشنز رن کرتی ہیں وہ اسٹینڈرڈ لمٹس میں یہاں کرتی ہیں۔ تو یہاں آپ نے سمپلی ان کو نو بیک گراؤنڈ پروسیس پہ کلک کرنا ہے۔ جیسے ہی آپ نو بیک گراؤنڈ پروسیس پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ آپ کوئی بھی آپ کی اپلیکیشن آپ کے فون میں کوئی بھی بیک گراؤنڈ پہ رن نہیں کرے گی۔ تو دوستو بہت ہی کمال کی اپلیکیشن، بہت ہی کمال کی سیٹنگز جن کی مدد سے آپ اپنے فون کی بیٹری کی لائف کو اور بھی زیادہ بڑھا سکتے ہیں اور بھی زیادہ انجوائے کر سکتے ہیں۔ تو دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا تاکہ کسی کو اس کا فائدہ ہو سکے۔ تو دوستو ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اپنے نئے ٹیٹوریل میں، تو تب تک کے لیے یاد رکھیے گا اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔